आजा जानवी। माँ ये देख कितने सुंदर इयररिंग्स हैं, पहन के देख तुझ पे बहुत जचेंगे। अरे हाँ माँ ये तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ मैं पहन के दिखाती हूँ। ले इसके बाद ये हार्ड ड्राइव करना। पापा, अरे पापा आप अभी से क्यों रोने लगे? मेरी शादी तो कल है, अगर आप अभी रोने लगेंगे तो फिर कल विदाई में क्या करेंगे? पूरी उम्र मैं और तेरी माँ सिर्फ काम करने पैसा कमाने में लगे रहे, वक्त के साथ इतना उलझ गए कि पता ही नहीं चला कि तू कब इतनी बड़ी हो गई। अब सोचता हूँ तो दुख होता है, तेरा बचपन खो दिया बेटा हमने। नहीं पापा आप ऐसे क्यों? तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, मैं तो बस नाम के लिए तेरी माँ हूँ, तुझे दाई माँ के भरोसे छोड़कर मैं तो नौकरी में ही लगी रही। हाँ पापा आप लोग ऐसा सोच भी क्यों रहे हैं? आप लोग भूल गए क्या, आप लोगों ने ही तो मुझे एक दूसरा परिवार दिया था। अरे मेरे खिलौने, इन सालों में वही तो मेरे साथ थे, हमेशा मेरा ख्याल रखा, और उनमें से मेरा सबसे अच्छा दोस्त जिसने एक सेकेंड के लिए बिना मुझे आप लोगों की कमी कभी नहीं महसूस होने दी, मेरा सबसे अच्छा प्यारा दोस्त मेरा टीटू। तुम अभी भी बच्ची हो। हाँ शर्मा जी। माँ मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अपनी शादी में ज्यादा लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, आप हैं, पापा हैं और मासा जी हैं, मासी हैं और संभव की माँ, और कौन चाहिए मुझे? कोई नहीं। ये आवाज कैसी है जानवी? तो तेरे कमरे में से आ रही है। नहीं माँ छोड़िए ना आवाज आवाज, आप भी ना। अच्छा मुझे वो दिखाओ ना, वो कितना सुंदर है ना। हाँ ये ट्राई कर, मैं कंगन निकाल। हाँ मैं ये ट्राई करती हूँ, अच्छा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और माँ वो कंगन भी दिखाइए ना, आपको पता है ना कि मैं तो आपके पसंद के ही कंगन पहनती हूँ। अच्छा आप कंगन निकालिए, तब तक मैं आती हूँ। ठीक। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे क्या हुआ, अच्छा नाराज है? मेरी बात नहीं सुनेगा? देख मैं जो बोलना चाह रही हूँ ना, बस उसे समझने की कोशिश करना। देख तू ना बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले, कल मेरी शादी है, ना प्लीज थोड़ा सा टाइम और दे दे। बोल देगा ना? जानवी क्या हुआ बेटा, जल्दी कर। देख मुझे ना माँ बुला रही है, मुझे जाना होगा, लेकिन
मैंने जो कहा है वो बात मेरी ध्यान में रखना। हाँ मुझे प्लीज प्लीज थोड़ा सा टाइम दे देना। और हाँ ये चने नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, पक्का। तू ना तू बहुत जिद्दी हो गया है कसम से। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ बेटा? माँ मैं कब से जानवी को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मेरा फोन रिसीव ही नहीं कर रही है। तो तू उसे इतनी बार फोन कर ही क्यों रहा है? माँ मैं उसको बता। संभव शादी का घर है, किसी काम में लगी होगी। माँ ऐसा भी क्या काम है कि मेरा फोन भी नहीं उठा सकती? ये अच्छी बात नहीं है बेटा, कल शादी है तुम दोनों की, और अगर शादी के बाद भी तू उसके पीछे ऐसे ही पड़ा रहा तो कैसा लगेगा उसे? सोच। देख बेटा, जानवी और लड़कियों जैसी नहीं है। उसके अपने माँ बाप होते हुए भी उसका पूरा बचपन घर की दाई के भरोसे बीता। और खिलौनों के भरोसे भी तो माँ? मुझे आज भी याद है वो दिन। बेटा गुस्से में तूने उसका खिलौना ले तो लिया था, लेकिन याद है कितना रोई थी बेचारी? याद है माँ। पर आप क्यों टेंशन ले रही हो? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं जानवी को कभी हर्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं रुलाऊंगा, और एक अच्छे बेटे के साथ साथ एक अच्छा पति भी बन के दिखाऊंगा। मेरा राजा बेटा। I love you, माँ। देखो मैं आ गई। अरे क्या हुआ? अब तक मुझसे नाराज हो? बात नहीं सुनोगे? तुम जानते हो ना कि ज्यादा देर तक मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अच्छा अब अपना गुस्सा छोड़ो और ये देखो, अच्छा है ना? कल अपनी शादी पे मैं यही पहनने वाली हूँ, तो सोचा आप तुम्हें भी पहन के दिखा दूँ। पहनूँ? ठीक अभी पहनती हूँ। अरे बोलो ना कैसी लग रही हूँ मैं? अरे 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 हाँ 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 टेटू। अरे जानती हूँ मैं कि मैं इस लहंगे में बहुत अच्छी लग रही हूँ तुम्हें, है ना? इस घर में अब तुम सबके साथ मेरी आखिरी रात है। आज के बाद मैं तुम सबसे बहुत दूर चले जाऊंगी। बेटो सबसे ज्यादा तो मैं तुम्हें मिस करूंगी, बहुत याद आएगी तुम्हारी। बेटो क्या कर रहे हो? पापा जाग जाएंगे, पापा जाग जाएंगे। जानवी। जी पापा। ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है बेटा? कुछ नहीं पापा, वो ना मैं टीवी देख रही हूँ, बस सोने जा रही थी। सो जाओ बेटा, कल जल्दी उठना है। हाँ पापा, बस सो ही रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा तुम ना मर जाओगे एक दिन। कहाँ था ना टेटू? किशोर मैं क्यों ना करूँ आवाज, मैं और करूंगा, मैं और शोर मचाऊंगा। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मेरे बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा।
भूल गए तुम, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। कुछ नहीं भूली हूँ टीटू, सब कुछ याद है मुझे। याद है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। टीटू तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गई तो लोग क्या सोचेंगे कि दुल्हन अपने साथ दहेज में इस खिलौने को लेकर आई है। अच्छा तो आज मैं खिलौना बन गया, कल तक मैं तुम्हारे लिए सब कुछ था और आज रह गया सिर्फ एक खिलौना। याद करो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। हवा में दौड़ा मेरा घोड़ा, टिक टिक टिक, क्या चाल है क्या बाल है, टिक 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 टिक। जानवी चल मेरे साथ खेलना। नहीं मैं और मेरा टीटू हम दोनों ही खेलेंगे। हाँ सुजाता बस 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, डोंट वरी आई विल बी ऑन टाइम। बेटा ये जल्दी से लो, मम्मा को जाना है ना। आंटी देखो जानवी मेरे साथ नहीं खेल रही। खेलेगी खेलेगी डोंट वरी, गो गो। हाँ हाँ बस निकली निकली बस। टीटू तुझे भी भूख लग रही होगी ना, ये ले खा। खिलौने फ्रूट्स नहीं खाते। मेरा टीटू खाता है ना टीटू। टीटू तो भाग भाग के थक गया होगा ना, रुक मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। भूल गए हम कितने अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे कि संभव को हमारी दोस्ती से जलन होने लगी थी, इसीलिए उसने मुझे चुरा भी लिया था ताकि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन ऐसा हो ना सका, उल्टा मैंने उसे बीमार कर दिया। संभव को माफ कर दो, उसे ठीक कर दो प्लीज मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने ना चाहते हुए भी उसे ठीक कर दिया, क्योंकि मैं अपनी प्यारी दोस्त को उदास नहीं देख सकता था, नहीं देख सकता था मैं उदास। लेकिन अब तुम्हें उन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूंगा, बात खत्म। लेकिन टीटू तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम वहां रहोगे कैसे, यहाँ तो हमारा अपना कमरा है, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन वहां कैसे छुपाऊंगी मैं तुम्हें, अगर किसी को हमारी अजीब दोस्ती के बारे में पता चल गया तो क्या कहूंगी मैं। अजीब? अभी हमारी दोस्ती अजीब हो गई। सॉरी सॉरी सॉरी, अजीब नहीं अनोखी बस, लेकिन बाकी सब लोगों को तो हमारी दोस्ती अजीब ही लगेगी ना, कैसे बताऊंगी मैं सबको। तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, अपने दोस्ती को कभी समझ ही नहीं पाई, लेकिन तुम ना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। हाँ तो याद आ गई आपको हमारी? सॉरी 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 सॉरी, अब संभव वो ना मैं वो कुछ कहना चाहती हो जान? कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? इजाजत। इजाजत मुझसे किस बात की? शादी के बाद अपने खिलौने को साथ लाने की। तुम मजाक कर रही हो राइट? रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जानवी तुम भी कभी कभी कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो। तो फिर बच्चा समझ के हाँ बोल दो ना प्लीज। ठीक है ले आना। हाँ लेकिन अभी नहीं, जब हमारा बच्चा हो जाए उसके बाद। संभव प्लीज प्लीज मेरी बात। जानवी प्लीज। देखो मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आए, तुम्हारे वो खिलौने भी नहीं। अच्छा सुनो अब तुम आराम से सो जाओ, कल हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है राइट? एंड हाँ आई लव यू, गुड नाइट। बेटा
तुम ये संभव से फोन पे क्या बोल रही हो? बेटा माना कि वो खिलौने तुम्हारी जिंदगी थे, लेकिन जिंदगी खिलौना नहीं होती। इस घर में तुम्हारा बचपन था, लेकिन उस घर में तुम पे जिम्मेदारियां होंगी अपनी, अपने परिवार की, संभव के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, समझी? क्या हुआ टीटू? हमारी दोस्ती ना इस दुनिया से बहुत अलग है, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। अब बधू समाज की साक्षी मान करके बरके हाथ में हान दे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्राणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं टीटू को? अब वर वधू के अखंड सौभाग्य के लिए मंगल सूत्र पहनावे। जानवी बेटा क्या हुआ तुझे, इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं 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 मामा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? हाँ पापा ठीक है। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, शीघ्र से शीघ्र मंगल सूत्र वधु के गले में पहनाइए। जानवी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मंगलसूत्र पहनाऊं? मुझे कुछ करना ही होगा। ये क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरह अपनी शादी का मंडप छोड़कर भी जाता है क्या? मुझे ना जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। सब लोग देख रहे हैं, तुझे ख्याल है जरा भी हमारी कितनी बेइज्जती होगी? अब मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। जानवी बेटा टीटू, दरवाजा खुला है, तुम्हें टीटू कहाँ है? Oh!
मैंने बोला था ना कमरे से बाहर मत आना। हाँ तो तुमने वादा किया था ना कि तुम किसी को पता नहीं चलने दोगे। हाँ? वादे तो तुमने भी मुझसे बहुत सारे किए थे लेकिन सब झूठ थे। आखिर संभव ने हम दोनों को अलग कर ही दिया ना, दूर कर ही दिया ना उसने मुझे तुमसे। बेटे तो नहीं, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। संभव, संभव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो समझेगा। टीटू मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी टीटू, लेकिन लेकिन प्लीज यहाँ ना, अगर तुम्हें यहाँ कोई देख लेगा तुम चलो यहाँ से, कमरे में चलो टीटू, प्लीज अभी कमरे में चलो, मैं आऊंगी तुम्हें लेने। हाँ आओ टीटू जल्दी। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी टीटू। ये लेने गई थी, बचपन में संभव ने बनाया था मेरे लिए। मैंने सोचा था कि जब हमारी शादी होगी ना तब मैं इसे मंगलसूत्र बना के पहनूंगी। मैं इसे पहन सकती हूँ ना? हाँ। जानवी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। बोलो। पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम बुरा नहीं मानोगी। क्या हुआ संभव? जानवी, मुझे तुमसे ये कहना है कि क्या आई लव यू। Really, really love. क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। याद आ रही है ना जानवी की? हमसे ज्यादा दूर नहीं गई है वो। आवाज कैसी? संभव, बचपन में कितना अच्छा था ना, काश हम कभी बड़े ही ना हुए होते। अच्छा, ताकि तुम अपने खिलौनों में उलझी रहती और मुझसे दूर रहती। मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम अपने खिलौनों को वहीं पर भूल आई हो।
मुझसे ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ जानवी? मैं आने से पहले उससे मिली भी नहीं, मैंने उसे बाय तक नहीं बोला। किससे नहीं मिली, किसे बाय नहीं बोला? वो ना पूरा घर सर पे उठा लेगा, और अगर माँ पापा को पता चल गया तो संभव मैं तुम्हें ना सब बाद में बताऊंगी, अभी तुम मुझे मेरे घर लेकर चलो प्लीज। इस वक्त? हाँ संभव अभी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। कौन सा वादा, किससे किया हुआ वादा? वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी तुम चलो संभव प्लीज। तुम ये सब हमारी सुहागरात के समय? अब ठीक है तुम्हें नहीं जाना ना, तुम मत जाओ, यहाँ बैठ के खुद से ही सवाल करो और खुद से ही जवाब ढूंढ लेना, मैं अकेले ही जा रही हूँ। जानवी बताओगी भी की बात क्या है? संभव पहले ना तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे। जानवी ये भी कोई भूलने की बात है, तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो, अब मेरी पत्नी भी हो। टीटू, वो तुम्हारा खिलौना जो लकड़ी का घोड़ा था जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम बिताती थी। हाँ, व्हाट अबाउट इट? अपने बचपन का सबसे ज्यादा समय मैंने टीटू के साथ ही बिताया। मैं उसके साथ इतनी घुल मिल गई कि मैंने कभी उसे खिलौना समझा ही नहीं। वो रात दिन उससे बातें करती रहती थी, उसी के साथ सोती थी, उसके साथ खाती थी, और जानते हो मैं भी यही चाहती थी कि वो भी मुझसे बातें करे, जवाब दे, और ना, और एक दिन सच में ऐसा हो गया, टीटू मुझसे बातें करने लगा, मुझे जवाब देने लगा, मेरे साथ समय बिताने लगा। लेकिन फिर वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, मैं बड़ी हो गई, लेकिन टीटू बचपन की उन्हीं यादों में कैद होके रह गया। टिक 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 हवा में डोरा मेरा घोड़ा टिक टिक टिक। और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? संभव तुम्हें हंसी आ रही है, तुमने कहा था ना तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे। करता, जरूर करता, अगर बात भरोसे करने लायक होती। संभव मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जानवी मेरी बात तो सुनो। जानवी बैठ। माँ। जानवी, जानवी क्या? माँ। जानवी। पापा। जानवी ये क्या बचपना है, तुम्हें अभी भी लगता है कि वो खिलौना तुमसे बातें करता है? तुम्हें भरोसा नहीं है ना, तो तुम जाओ। जानवी मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। जानवी वेट। पापा। जानवी। माँ। 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 पापा। पापा। जानवी क्या कर रही हो तुम? जानवी टीटू, टीटू ये क्या किया तुमने? हाँ माँ पापा।
क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे सिर्फ एक खिलौना समझा था ना, जब मन किया याद किया, जब मन आया भुला दिया, और मेरा क्या? मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहना चाहता था। सॉरी केटू। सॉरी? हर बात पे सॉरी बोल देने से बात खत्म नहीं हो जाती। अब तुम्हें समझ आएगा कि जैसे आप अपना समझते हैं और अगर वो आपको अपना ना समझे तो कैसा लगता है। लेकिन माँ पापा के साथ ऐसा क्यों किया केटू तुमने? क्योंकि तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने उन्हें खिलौनों में बदल दिया। लेकिन क्यों केटू? तुम बदल गई हो दोस्त, भूल गई हो तुम मुझे। बचपन से लेके कल तक जिस दोस्त के बिना एक मिनट भी दूर नहीं रह सकती थी, आज वही दोस्त को कमरे में बंद करके मुझसे दूर चली गई। क्यों? जानवी, how is this possible? संभा, तुम क्यों हो यहाँ पे? नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जानवी, तुम चलो मेरे। संभा, जानवी चलो तुम मेरे। संभा, मैंने कहा तुम जाओ। नहीं, जानवी, बहुत सेफ, you have to come with me. नहीं संभा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम जाओ यहाँ से। जानवी, यहाँ पर सेफ नहीं है, चलो यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगा। गलती नहीं, तुमने जानबूझकर ये सब किया है। तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी ना? नहीं टीटू, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे अपनी दोस्ती साबित करने का एक मौका तो दो, प्लीज टीटू। ठीक है, लेकिन जो मैं बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। हाँ टीटू, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। ये जो तुम्हारे गले में है, ये संभव ने डाला था ना? हाँ? उसे निकाल कर फेंक दो। क्या? अगर तुम नहीं निकाल सकती तो मैं निकाल देता हूं। ये जो सिंदूर है, ये संभव नहीं लगाया था ना? हाँ? हटा दो इसे। टीटू, क्या बोल रहे हो ये तुम? ये सिंदूर है, कोई खेलने की चीज नहीं है। खेलने की चीज तो मैं हूँ ना? अब तो तुम्हारा यही सब सारा परिवार है ना? मैं कभी ठीक नहीं करूंगा इन्हें। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। ये मेरी प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी जानवी, जिसे इस बेवकूफ ने मुझे छीन लिया था। देखो टीटू, तुमने
जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया। अब तो प्लीज माँ पापा संभो सबको ठीक कर दो ना प्लीज टेटो। तुम्हें सिर्फ इनकी पड़ी रहती है ना, मेरी नहीं। तो और क्या करूं तुम्हारे लिए, और क्या चाहते हो तुम? खेल खेलो, बचपन में जैसा तुम मेरे साथ खेल खेलती थी। टिक टिक टिक, हवा में दौड़ा मेरा घोड़ा। टिक टिक टिक, वाह क्या बाल है क्या चाल है। टिक टिक टिक, मेरा घोड़ा बेमिसाल है। आओ मेरी पीठ पर बैठो। टेटो मेरी बात सुनो, अब हम बड़े हो गए हैं तो बचपना तो बचा है ना। टेटो टेटो प्लीज। मैंने कहा आकर बैठो। हाथ रखो। याद है तुम्हें वो बचपन वाली कविता? हाँ। तो गाओ ना। टिक टिक टिक, हवा में दौड़ा मेरा घोड़ा। टिक 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 टिक, क्या चाल है क्या बाल है। टिक टिक टिक, बता मेरे घोड़े तेरा क्या हाल है। टिक 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 टिक, कितना मजा आ रहा है ना। कितने दिनों बाद हम दोनों इतना घूमे हैं ना। हाँ। तो बताओ अभी कौन सा खेल खेलना है? टेटो उससे पहले माँ पापा और संभव टेटो को ठीक कर दो ना प्लीज प्लीज टेटो। नहीं मैं उन्हें कभी ठीक नहीं करूंगा। सोचो कितना अच्छा होगा कि मैं बिना रोक टोक के सारा समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अब टेटू मैं ना अभी आती हूँ, बस एक मिनट। हाँ तुम यहीं रहना ठीक है। अगर मैंने गलती से भी कोई गड़बड़ की है तो तुम मुझे इससे खूब मारना। अब टीटू तुम ना बिल्कुल सही कह रहे थे, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है ना। चलो अब बताओ हम कौन सा खेल खेलें। हाँ हम ना मेरी फेवरेट जगह चलते हैं। हाँ? चलो ये तुम क्या कर रही हो? ये तुमने मुझे दिया था ना और कहा था कि तुम जब भी कोई गलती करो मैं तुम्हें सजा दूं। मैंने कहा था तो बस मैं तुम्हें उसी गलती की सजा दे रही हूँ। तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है टीटू, मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। सॉरी टीटू, लेकिन तुम्हें मेरा परिवार वापस लौटाना ही होगा।
खिलौने ही अच्छे थे मेरे लिए, मेरी दोस्ती के लिए। तुम्हें वापस वैसा ही बनना पड़ेगा टीटू। तुम्हें मेरी कसम टीटू। बचपन के अकेलेपन की कल्पना से पैदा हुई एक सोच, अब ये मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना है, मेरे बचपन का सबसे प्यारा खिलौना।